हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रीन्स स्टूडेंट्स यहां आपको किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक आपका पूरा सिलेबस मिलता है डैट टू हंड्रेड परसेंट फ्री और स्टूडेंट्स अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई e बुक्स भी आपको मिलेंगे और इसमें जो कॉन्टेंट है इसे और बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आपके पूरे कॉन्टेंट को जैसे कि थ्योरी बुकलेट्स एम सी क्यू बुकलेट्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स एंड मेनी मोर तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी राइट right, स्टूडेंट्स तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई हम कर रहे हैं क्लास फोर मैथ्स की वर्कशीट्स यस स्टूडेंट्स और आज हम करेंगे चैप्टर सेवन की पार्ट टू वर्कशीट पार्ट वन हम कर चुके हैं यस yes, क्या किया था हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम दैट इज द लीटर्स एंड मिलीलीटर्स ठीक है हमने लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में पढ़ा था और एक चीज हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखी मैम ने कहा उसे दिमाग में बिठा लीजिए कौन सी चीज थी वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीलीटर्स

टू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है यस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरी सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचपन से करते आ रहे हो ठीक है सेम यह है यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग बस लीटर्स को लीटर्स लीटर लीटर के नंबर के डिजिट्स आपको लीटर में ऐड करने हैं और मिलीलीटर के नीचे वाले मिलीलीटर में एड करने हैं चलो द फर्स्ट वन इज ऊपर लीटर और मिलीलीटर लिखा हुआ है यस yes. 13 लीटर 450 मिलीलीटर वी हैव टू ऐड विथ 8 लीटर 138 मिलीलीटर चलो ऐड करते हैं 8 0 हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वंस प्लेस से किया जाता है पीछे से तो वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0 और 8 तो 8 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 में 0 8 राइट यस यस इट विल बी 8 5 प्लस 3 5 6 7 8 राइट right? 4 प्लस 1 <coughs>

फाइव प्लस नाइन नाइन टेन एवं ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है वन कैरी ओवर फोर फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया मिली लीटर का डिजिट अब लीटर पे आते हैं सिक्स एट प्लस सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन कैरी ओवर फोर वन प्लस वन टू तो हमारा आंसर हो गया ट्वेंटी फोर लीटर्स एंड सेवन फोर्टी मिलीलीटर्स, लीटर्स understood? तो ऐसे किया हमने एडिशन सिंपल एडिशन जो लीटर्स की है तो जब भी एडिशन आता है लीटर और मिली लीटर लिख के तो सिर्फ एडिशन करके मत लिख दे रख देना यूनिट लगाना बहुत जरूरी है बेटा नहीं तो पूरे नंबर कट जाएंगे या आधे नंबर तो कट ही जाएंगे ठीक है यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है कैसे लिखेंगे देखो ये है हमारे पास लीटर और मिली लीटर हमारे पास यूनिट है इधर हमने यूनिट डाल दिया लीटर एंड इट इज मिली लीटर ठीक है लीटर के नीचे क्या क्या है भाई वो लिख लेते हैं यस yes. लीटर के नीचे हमारे पास है ट्वेल्व लीटर्स लिख दिया 12 मिलीलीटर में क्या है 240 मिलीलीटर अंडरस्टूड दूसरा है 10 लीटर्स तो इसके नीचे लिख दिया 10 मिलीलीटर में है 180 मिलीलीटर अंडरस्टूड ये होता है कॉलम ठीक है नीचे नीचे लिखना कॉलम्स रोज होती है सीधी सीधी कॉलम्स होता है एक के बाद एक नीचे नीचे ओके तो लीटर के नीचे हमने लीटर वाले डिजिट, डिजिट लिख दिए मिलीलीटर के नीचे हमने मिलीलीटर वाले डिजिट लिख दिए आप इसको कर दीजिए आप एड क्योंकि हमको एड करना है ठीक है राइट एंड कॉलम एंड एड अब पीछे से शुरू करते हैं एड ये तो आपको सबको पता है जीरो प्लस जीरो जीरो एट प्लस फोर ट्वेल्व वन कैरी ओवर इधर आ गया टू टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर इधर आ गया टू प्लस जीरो टू वन प्लस वन टू तो हमारा आंसर आ गया बेटा ट्वेंटी टू लीटर्स and 420 milliliters understood so the answer we got here it has it has 22 liters and 420 milliliters understood so this is column method humne column mein likha niche niche aur usko add kar diya done चलो आगे बढ़ते हैं ये हम कर रहे थे addition now it is sub find the difference and difference का मतलब minus करना subtraction करना okay चलो तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले वाला सेम वही चीज है प्लस किया था वैसे करना है है ठीक ये वाला करके देखते हैं okay, students. तो here, same चीज़ आप uh, से शुरू करते हो है ना हम हमेशा एडिशन हो या सब्ट्रक्शन हो हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो मिलीलीटर का मिलीलीटर का लीटर का लीटर के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे फाइन में से टू गया तो थ्री एट में से बन गया तो सेवन राइट अब टू छोटा है तो फोर में से हम क्या लेंगे कैरी ओवर तो ये हो जाएगा ट्वेल्व और इधर बचेगा 3. अब 12 में से 5 गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन और 3 में से 3 गया तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती नंबर के पहले सो हियर द आंसर विल बी सेवन लीटर सेवन थर्टी मिलीलीटर्स अंडरस्टूड अंडरस्टूड हमने कैसे किया वेरी सिंपल कुछ भी नहीं किया है ठीक है चलो सी द नेक्स्ट वन यस जीरो में से जीरो गया तो जीरो ट्वेल्व में से फाइव गया तो सेवन क्योंकि टू छोटा था हमने थ्री से ही कैरी ओवर लिया ये ट्वेल्व हो गया और ये बचा टू अंडरस्टूड तो ट्वेल्व में से फाइव गया तो सेवन टू में से वन गया तो वन अब वन में से सिक्स नहीं जाएगा फिर यहां जो वन बचा इससे कैरी ओवर लेंगे हम ठीक है तो यहां तो बच गया जीरो और यहां हो गया इलेवन तो इलेवन में से सिक्स गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हियर इट इज फाइव और जीरो है तो जीरो तो जीरो तो आंसर विल बी फाइव लीटर्स वन सेवेंटी मिली लीटर्स अंडरस्ट सब्ट्रैक्शन किया हमने कैरी ओवर लेके राइट

फ्रॉम दिया है देखो 850 फिफ्टी लीटर्स फोर फिफ्टी मिली लीटर्स फ्रॉम नाइनटी लीटर्स फ्रॉम माने इससे इसको माइनस करना है तो यहां पे आएगा ऊपर 90 वाला तो 90 एंड 580 और वहां क्या है 85 फाइव लीटर्स एंड फोर फिफ्टी अब इनको कर दो माइनस ध्यान देखो फ्रॉम लिखा हुआ है ये चीज का ध्यान देना स्टूडेंट्स फ्रॉम है ठीक है मैंने इससे इसको माइनस करेंगे चल तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो एट में से फाइव गया तो थ्री ठीक है फाइव में से फोर गया तो वन ठीक है अब यहां पे जीरो में से तो फाइव जा नहीं सकता तो नाइन में से कैरी ओवर ले लो यहां हो गया टेन और यहां बचा एट टेन में से फाइव गया तो फाइव एट में से एट गया तो जीरो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो आर आंसर विल बी फाइव लीटर्स एंड वन थर्टी मिली लीटर्स अंडरस्टूड Understood? और हमेशा यह बात याद रखना स्टूडेंट्स मैम ने आपको पहले भी बताया था जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे करने को आएगा जिसमें यूनिट लिखे होंगे तो आंसर में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन करो बट यू हैव टू राइट द यूनिट्स विद द आंसर ओके दैट इज कंपल्सरी राइट चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. ना वर्ड प्रॉब्लम ठीक है करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है बट वर्ड प्रॉब्लम है समझो स्टोरी दिमाग में समझो फिर करो चल रामो फिल्ड सेवन फिफ्टी नाइन सिक्सटी मिली लीटर डीजल इन हिज बस रामो ने इतना डीजल अपनी बस में भर लिया फिल कर लिया ही यूज फिफ्टी टू लीटर फोर मिलीलीटर मिली लीटर डीजल उसमें से उसने इतना डीजल यूज कर लिया गाड़ी चला ली होगी हाउ मच डीजल इज स्टिल इन हिज बस तो कितना डीजल उसका बचा ठीक है इतनी बड़ी बॉटल में पानी है इतना पी लिया तो कितना बचा क्या करोगे माइनस ओके स्टूडेंट्स टू चॉकलेट्स है वन खाली कितनी बची वन मींस माइनस ओके तो चल अब हम लिखेंगे पहले रामो फिल्ड दिस इन इज बस तो हाउ मच डीजल ही हैज फिल्ड इन इज बस तो लिखोगे टोट तो, डीजल डीजल फिल्ड इन बस इन रामूज़ बस भी लिख सकते हो डीजल फिल्ड इन रामूज़ बस ठीक है अब देखो लीटर और मिलीलीटर वाला फंडा है ऊपर लीटर लिख दो इधर मिलीलीटर लिख दो चलो अभी तो हम ऐसे लिखते हैं बाद में कर लेंगे कितना है सेवेंटी फाइव लीटर्स और 960 सिक्सटी ठीक है इतना उसने डीजल अपनी बस में फिल करा ही यूज तो डीजल यूज कितना यू डीजल रामू ने यूज कर लिया डीजल यूज कितना यूज कर लिया उसने उसने कर लिया 52 टू लीटर्स एंड 480 एटी मिली लीटर अब हमारे पास आंसर है कि हाउ मच डीजल इज स्टिल इन हिज बस कितना डीजल उसका बचा है बस में तो क्या करोगे आप लिखोगे कि डीजल लेफ्ट ठीक है डीजल लेफ्ट स्टिल yes, ये पूरा सेंटेंस लिख दो डीजल स्टिल इन हिज बस क्या लिखोगे देर फोर डीजल इन हिज बस इन हिज बस लेफ्ट कितना डीजल बचा है उसकी बस में तो हमें मालूम है माइनस करना है ठीक है ऊपर लिख दो लीटर इधर लिख दो मिलीलीटर ठीक है तो लीटर में क्या क्या है कितना लीटर था उसके पास उसके पास था तो टोटल 750 फिफ्टी लीटर्स सेवेंटी लीटर्स और मिलीलीटर कितना था 960 ठीक है उसने यूज कितना कर लिया 52 लीटर लीटर्स और 480 एटी आप उसके पास कितना बचा तो टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए विल बी द आंसर जीरो में से जीरो गया तो जीरो सिक्स में से एट नहीं जा सकता नाइन में से कैरी ओवर लेंगे इधर बचेगा एट और इधर हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन में से एट गया तो बचा एट एट में से फोर गया तो फोर और यहां बचा फाइव में से टू गया तो थ्री सेवन में से फाइव गया तो तो मच लीटर, हाँ मच लीटर बस कितना बचा उसके पास ट्वेंटी थ्री लीटर एंड फोर एटी मिली लीटर डीजल उसके पास बस में बचा अंडरस्टूड इतना था इतना यूज कर लिया तो कितना बचा इसमें से इसको माइनस कर देंगे डार्क सेट ओके लेकिन स्टोरी प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो आंसर लिखना है सोल्यूशन उसमें स्टोरी भी लिखनी है एक एक सेंटेंस में ठीक है बस सेंटेंस पढ़ो और वैसा का वैसा लिख दो ओके चलो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट प्रॉब्लम बॉट थ्री लीटर फोर ट्वेंटी मिली लीटर मिल्क अंजू ने कितना दूध खरीदा फोर लीटर थ्री लीटर फोर ट्वेंटी मिली लीटर एंड मैंने अंजू ने उतना खरीदा और मंजूषा ने इतना खरीदा हाउ मच मिल्क डिड दे बाय ऑल टूगेदर तो दोनों ने मिलकर कितना खरीदा देखो आपने एक चॉकलेट खरीदी एक आपके भाई ने खरीदी दोनों ने मिलके कितनी खरीदी To, माने प्लस करेंगे है ना इजी सा फंडा जब आपसे पूछा जा रहा है कितना बचा हाउ मच लेफ्ट तो आप माइनस करोगे और जब भी आपसे ऑल टुगेदर पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको एडिशन करना है ठीक है छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखने ऑल टुगेदर मतलब एडिशन ठीक है तो चलो हम लिखते हैं अपना आ, स्टोरी अंजू बॉट सो मिल्क बॉट बाय अंजू या अंजू बॉट कितना मिल्क अंजू मिल्क बॉट बाय मिल्क बॉट बाय बाय अंजू अंजू ने कितना मिल्क खरीदा स्टूडेंट्स अंजू ने खरीदा कितना खरीदा थ्री लीटर्स एंड फोर ट्वेंटी मिलीलीटर ठीक है उसके बाद है मन्जुशा। तो मंजूषा ने कितना खरीदा मिल्क बॉट बाय मंजूषा अंजू मंजू बहने होंगी जरूर है ना मिल्क बॉट बाय मंजूषा कितना टेन लीटर एंड 650 फिफ्टी मिलीलीटर ठीक है ऑल टूगेदर उन्होंने कितना मिल्क परचेस किया देयर फोर हाउ मच मिल्क डिड दे बाय ऑल टूगेदर तो ऑल टूगेदर उन्होंने कितना परचेस किया क्या करेंगे हम देअर फोर टोटल मिल्क दे हैव ब्रॉट टोटल मिल्क टोटल मिल्क दे बॉट टोटल मिल्क दे बॉट ठीक है सेम वैसे करेंगे तो जो चीज ज्यादा होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं ठीक है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए करने में तो लिख दिया हमने इधर पहले हम मंजूषा का लिख लेंगे टेन लीटर सिक्स फिफ्टी मिली लीटर अब अंजू का लिख लो थ्री लीटर एक सिंगल डिजिट है वंस प्लेस पे आएगा ठीक है और ये है फोर ट्वेंटी मिली लीटर एड कर दीजिए दोनों को जीरो जीरो फाइव प्लस टू सेवन सिक्स प्लस फोर टेन यहां आ जाएगा वन कैरी ओवर और जीरो और इधर आ जाएगा वन प्लस थ्री फोर और इधर वन तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्टीन लीटर इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है सेवेंटी मिलीलीटर तो दोनों ने मिलके कितना मिल्क ख़रीदा तो टोटल मिल्क दे बॉट आंसर विल बी फोर्टीन लीटर्स एंड सेवेंटी मिलीलीटर्स अंडरस्टूड तो so, दोनों ने मिलकर कितना मिल्क परचेस किया 14 लीटर फोर्टी मिली तो okay, so, याद रखो वर्ड प्रॉब्लम्स में ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ऑल टुगेदर मींस यू हैव टू ऐड हाउ मच लेफ्ट मींस यू हैव टू माइनस इन चीजों का ध्यान रखो कभी गलती नहीं होगी ओके स्टूडेंट्स तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्कशीट ऑफ चैप्टर सेवन कप्स एंड मग्स ठीक है इसमें हमने मीटर और सॉरी लीटर्स और मिली लीटर्स जो यूनिट है कैपेसिटी और वॉल्यूम के उनके बारे में पढ़ा ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस पूरे वीडियो को इस पूरे चैप्टर के वर्कशीट को अच्छे से रिवाइज करिएगा और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट बेन्स के ऐप पर मैग्नेट बेन्स के यूट्यूब चैनल पर और मैग्नेट बेन्स की आ, वेबसाइट पर राइट right, स्टूडेंट्स तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर की नई वर्कशीट के साथ टिल देन बाय टेक केयर